घरों में पोषक आहार न मिल पाने के चलते ही आंगनबाड़ी केंद्र और ऐसे संस्थाओं के जरिए उनके लिए खाना परोसा जाने लगा था, ताकि बच्चों का शुरुआती समय से ही बेहतर मानसिक व शारीरिक संतुलन बन सके। लेकिन क्या हो जब ऐसी संस्थाओं में मिलने वाला खाना ही उनके स्वास्थ्य को खराब करने लगे। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ जहां स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर सरकार लगातार कई योजनाएं बनाती है, तो दूसरी तरफ ये हकीकत बयां करती तस्वीरें इन सारी योजनाओं को दरकिनार करते हुए ये बात साफ कर रही है कि किस तरह बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि मामला फरीदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्कॉन का है, जहां बच्चों का मिड डे मील लेकर जाने वाली गाड़ियों में ही गंदगी और कूड़े को ले जाने वाली तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। वैसे तो ये संस्था बच्चों को सही और अच्छा हाइजेनिक खाना देने की गारंटी देती है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। पत्ते वगैरह जो झाड़ू कूड़ा रेत मिट्टी होता है जो, बस वही है। वहीं जब इस पूरे मामले पर स्कॉन संस्था के मिड डे मील चलाने वाले रीजनल मैनेजर से बात की, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को खाना सप्लाई करने वाली गाड़ियों में कूड़ा ले जाया ही नहीं जाता, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन तस्वीर देखने पर मैनेजर साहब खुद को पाक साफ साबित करने की दलीलें पेश करने लगे। हाँ, मुझे आपने मेरे संज्ञान में लेकर आए हैं और ये चीज जो है इसके बारे में हम पूरा का पूरा तहकीकात करेंगे। अगर कूड़े के वहाँ पर वो गई है तो किस कारण से गई थी, ये मैं निश्चित कह सकता हूँ कि अगर उसके बाद वो कारण वापस आई है तो वो बिना प्रोसीजर जो एसओपी कहते हैं, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है हमारा, उसके अनुसार सफाई किए बिना कभी भी वो कहीं और जाएगी। नौनिहाल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही ये संस्था खट्टर सरकार को भी सवालों के कटघरे में खड़ी कर रही है कि इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली और बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कितने भी प्रयास कर लिए जाएं, पर ये तस्वीरें उन तमाम प्रयासों पर पानी फेरती है। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।